हनी व्हाट्स अप गाइस, आप लोग कैसे हो मुझे ज़रूर बताना। तो आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ मेरा वन मंथ एक्सपीरियंस विद बायोलूमा क्रीम। ये एक डीप पिगमेंटेशन स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग क्रीम है, तो इसके बारे में आज मैं आपसे डिटेल में बात करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल पे आपको प्रोडक्ट्स रिव्यू और मेरे व्लॉग्स देखने को मिलते हैं, तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ओके गाइस, तो ये रही ये बायोलूमा क्रीम। इस पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि ये डीप पिगमेंटेशन और स्किन लाइटनिंग क्रीम है। मैंने इस प्रोडक्ट को रिसेंटली एक महीने डेढ़ महीने पहले परचेस किया, क्योंकि मैं आप लोगों के संग मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली थी कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि ये क्रीम इफ़ेक्टिव है, आपको परचेस करना चाहिए नहीं परचेस करना चाहिए। तो फर्स्टली अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर कोजिक एसिड, मलबरी एक्सट्रैक्ट, अर्ब्यूटेन, लिकोरिश एक्सट्रैक्ट है। अर्ब्यूटेन इज अ स्किन लाइटनिंग एजेंट जो मुझे बहुत ही पसंद है, और लिकोरिश एक्सट्रैक्ट जो होता है वो एक मुलेठी होता है। इसका पाउडर भी बहुत ईजिली आपको मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन मैंने परचेस किया था। उसका भी पाउडर बनाकर मैं फेस पैक जैसे लगाती हूँ, उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छे हैं जो आपके स्किन को लाइटन अप और ब्राइटन अप करते हैं। एक महीने से ज़्यादा यूज़ कर देख लिया है, डेली नाइट में लगाया है। बीच में एक दो दिन में से स्किप हो गया जहाँ मैं बिल्कुल लेजी फील करने लग गई थी, तो मैंने इसको यूज़ नहीं करा उस टाइम पे। रिजल्ट से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक स्टेरॉइड फ्री क्रीम है, इसके अंदर कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये क्रीम एक महीने लगाने के बाद मुझे मेरी स्किन ग्लोइंग और क्लियर नज़र आई है, तो इसने मेरी स्किन को इवन आउट रखने में काफ़ी अच्छी हेल्प करी है। लेकिन आपको अगर हाइपर पिगमेंटेशन है, जैसे पिगमेंटेशन की क्रीम है ये, आपको बहुत ज़्यादा मेलाज्मा और हाइपर पिगमेंटेशन है, तो आप आराम से मानकर चलो कि आपको इसको 3 महीने तो यूज़ करना ही है। 3 महीने के पहले आप डोंट नॉट एक्सपेक्ट कि आपको 1 महीने में 15 दिन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट, इससे पिगमेंटेशन आपके बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको इसको 3 से 4 महीने कंटिन्यूसली यूज़ करना है, जब आपको जाकर इस पर पिगमेंटेशन और मिलाजमा पे आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अगर आपकी अनइवन स्किन टोन है, हल्के से डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट 1.5-2 महीने के अंदर ही मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इस क्रीम को आपको कैसे यूज़ करना है। तो ये जैसे मेडिकेटेड क्रीम है, तो आप इसे नाइट में पहले फेस वॉश करेंगे। फेस वॉश करने के बाद अगर आप कोई सा टोनर अप्लाई करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और आपको इसको लगाने के बाद ड्राई फील होता है, मुझे हल्का सा ड्राई फील होता है इस क्रीम को लगाने के बाद, तो आप इसमें अच्छा सा मॉइस्चराइजर कोई सा भी आप जो लगाते हैं वो मिलाइए। मिलाने के बाद अच्छे से आप इसे अपने पूरे फेस पे लगाइए, और ओवरनाइट के लिए रखने के बाद मॉर्निंग में आप इसे फेस वॉश करने के बाद अच्छा नॉर्मल कोई नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करने के बाद सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जैसे आप मेडिकेटेड क्रीम यूज करते हैं तो आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव तो हो जाती है। अगर आपको इसके अंदर रेडनेस, ईचिंग, इरिटेशन फील होता है तो आपको इसको स्टॉप कर देना यूज़ करना, मतलब ये आपको सूट नहीं कर रही। इसका मतलब ये नहीं कि ये क्रीम ख़राब है, हर जन का स्किन का कंसर्न अलग होता है, किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, उनको हर प्रोडक्ट सूट नहीं करता है। तो अगर आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो स्टॉप यूजिंग दिस क्रीम, मतलब ये आपको ये सूट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप इसे कंटिन्यूसली नाइट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो अल्टरनेट डेज पे ट्राई और टेस्ट कर इसको देख सकते हैं। इसके टेक्सचर की बात करूं तो ये इस टाइप का, ये एक क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है, व्हाइट कलर का इसका टेक्सचर होता है। अगर मैं इसके मार्केट एमआरपी की बात करूं तो ये 470 रुपीज़ के अराउंड आपको मिल जाती है, लेकिन आप अगर ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। मैं इस क्रीम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो अगर आप 22+ हैं तो आप इस क्रीम को ट्राई कर सकते हैं, और अगर सेफर साइड में चलना है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर इस क्रीम को यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो किसी भी रीजन से हेल्पफुल लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।